आप सब लोग? अच्छा भाई तो ये लेकर आ गए हैं अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारी शादी की मेमोरीज। एल्बम कह लो या मेमोरीज कह लो, एक ही बात होती है। तो आज हम आपको दिखाएंगे अपनी शादी की तस्वीरें और वीडियोस वगैरह, वो सब कुछ हम आपको दिखाते जाएंगे। तो बहुत से लोग बोल रहे थे ना कि अगर शादी का दिखाओ तो हम बना नहीं पाए थे, ये जब भी छोटी ट्रेजेडी वगैरह हुई थी हमारे, इस वजह से। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं शादी की पिक्चर्स, ठीक है? जब शादी की तस्वीरें आती हैं कितनी खुशी होती है ना कि हाँ भाई एल्बम आ गया, मूवी आ गई, अब हम देखना स्टार्ट करेंगे। और कुछ दिनों तो हम एल्बम देखते ही रहते हैं कि जना भाई हम कितने अच्छे लग रहे थे, ये सब कुछ। तो ये है वॉल पर, नहीं तो वली में का है ना, दोनों अभी वली में करेंगे, अभी बारात का देखेंगे। दोनों है हाँ। अच्छा इसमें मिक्स है, ये हमारी पूरी हमारा पोर्टफोलियो है जिसके अंदर हम हस्बैंड और वाइफ हम दोनों का है। बाकी एक जो एल्बम है उसके अंदर सारे रिलेटिव्स वगैरह उन सब की होती है। ये हमारा जो है, हमारा इसमें सारा पोर्टफोलियो मौजूद है, इसमें बारात तो और रिसेप्शन दोनों, जिसमें मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। हाँ तो मुझे आपको कहानी बतानी थी पहले, कि मैंने अच्छा, क्यों शादी के लिए मना किया था शादी वाले दिन। पहले वीडियो ये दिखाने से पहले पहले व्यूअर्स को हम बता देते हैं कि क्या क्या हुआ था। हाँ तो भाई जब माइयों के अगले दिन, जब मैंने आपको बताया था कि माइयों के नेक्स्ट डे जो, तो भाई पहले मुझे बताने दो क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था। हुआ ये हाँ, था, यही था, अभी शादी के लिए एक्साइटेड मैं नहीं थी। हुआ ये था कि जिस दिन हमारा बारात का इवेंट था ना, तो उस रात में बड़ा खुशी खुशी सोया था। मैंने कहा चलो सुबह उठ के जो है ना, बारात का इवेंट है, सारी तैयारियाँ करनी, हर चीज़ करनी है, फला 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 बहुत सारी होती हैं लोगों की इमेजिनेशंस, वो सब चीज़ें थी। अच्छा मैं उस रात जब सोया हूँ तो उसकी सुबह मैं उठा रही हूँ, मुझे उठाया गया, वो मेरी मदन ने उठाया था कि वो भाई वहाँ से तुम्हारे ससुराल से फ़ोन आया कि रूबा की तबीयत जो है ना बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज है। लो भाई हम, मैं सुन के बिल्कुल एकदम, मुझे समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है, ये वहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो गई। उसके बाद मैं यहाँ से घर से रेडी होके भागा हूँ इनके घर की तरफ, वहाँ जाके देखा तो इनकी कंडीशन ऐसी थी कि इनके हाथ पांव जो है ना वो मोड़ रहे थे, इतनी पतनी इनके पेट में तकलीफ़ थी और कमज़ोरी इतनी थी कि हाथ पांव जो है ना इनका मुड़ना शुरू हो गए थे, यानी बिल्कुल एकदम इस तरह। तो इनका डिसीजन जो था वो सुबह में ये था कि ये बारात का इवेंट नहीं करेंगे, सुबह इन्होंने मैं मना कर भी नहीं दिया। कर सकती थी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी तो इन लोगों को बुला लिया गया था। अच्छा रीज़न ये था कि समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमारी तबीयत थोड़ी थोड़ी बहुत ख़राब होती है तो हम पहले आसपास के डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं कि भाई ड्रिप लग जाए, कमज़ोरी की वजह से हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या एसिडिटी वगैरह जो हो जाती है। तो रात के 3 बजे जब मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई तो सबने यही बोला कि भाई एसिडिटी वगैरह जो हो जाती है पेट में, जो वो जो हो जाती है कुछ भी, तो वो चीज़ है। अच्छा भाई इधर उधर हॉस्पिटल गए, ड्रिप लग गई, थोड़ा आराम आ गया, उसके बाद फिर वही तकलीफ, फिर वही तकलीफ। पता नहीं कौन कौन सा हॉस्पिटल मैं लेके गए, मुझे मेरे घर वाले, तो मेरे भाई, तो गोद में उठा उठा के मेरी चलने की भी हिम्मत नहीं थी और मुझे वोमिट्स रुक ही नहीं रही थी। तो जब ये हुआ मतलब तो जगह सुबह जगह सुबह का बता रहा इंजेक्शन, था, मैंने कुछ भी इंजॉय वगैरह नहीं किया। सुबह का ये फोन आया कि भाई इनकी तबीयत ठीक नहीं है और हाँ ये बारात का इवेंट अटेंड करने से मना कर रही है। इन्होंने अपनी मम्मी को बोल दिया था मैं अटेंड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सुबह सी 11 बजे कंडीशन नहीं है। पॉलर जाना होता है हाँ और मेरी उस टाइम भी तो इतनी तबीयत खराब है, मुझे वोमिट्स हो रही है, मैंने एक बाइट भी नहीं लिया कि मैं नाश्ता कर लूँ या कुछ कर लूँ। तो मैंने सुबह मम्मी को बोला, मैंने जो एक दिन पहले मेहंदी वगैरह लगवा था, जो मेहंदी लगवाने में भी गई थी तो मेरी बहन मेरे साथ थी, क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं बैठ सकूँ। लेकिन काशी वालों ने बड़ा कॉपरेट पूरा किया था बता मेरे रहे थे ना, बाद में साथ। जाना वहाँ पे। तो 4 साल जो है हमारी इंगेजमेंट रही, तो अब जब ये सुना कि ये इवेंट अटेंड ही नहीं कर सकते तो मेरा बिल्कुल एकदम ना, मेरा अजीब सा माइंड हो गया। मैंने कहा यार आज नहीं हो रहा तो फिर पता नहीं कब होगा। तो मैं घर भागा इनके देखने के लिए, तो इनकी कंडीशन देखी, फिर हम लोग अपने एरिया के डॉक्टर के पास लेकर आए इनको, बहुत अच्छी शिफा, यानी अल्लाह ताला उनको बड़ी शिफा दी उनके हाथ में ना, तो उनके पास लेकर आए। तो उन्होंने चेक किया, सबसे पहले तो उन्होंने इनका अल्ट्रासाउंड रेकमेंड किया कि पता तो लगे पेट में तकलीफ़ किस वजह से, एक तो ये चीज़ हुई। दूसरा उन्होंने एक पेन किलर इनको लगाया, उन्होंने कहा आज का जो आपका इवेंट है ना इंशाल्लाह ये निकल जाएगा, लेकिन हाँ उसके फ़ौरन बाद आपने इनका ट्रीटमेंट करवाना है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मुझे ला के दिखानी है। अब इनके पेन किलर लगा, थोड़ा सा ये स्टेबल हुई, तो फिर स्टेबल होने के बाद हम लोग गए आखन जाके हमने इनकी अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड करवाई। करवाया, तो उस और अल्ट्रासाउंड मेरा में वो अल्ट्रासाउंड 1 घंटे तक हुआ था, मतलब बहुत देर तक हुआ था वो मेरा अल्ट्रासाउंड। तो मतलब उस, बाहर खड़े हुए, पता नहीं क्या हाँ है, पॉलर जाने आज, शादी है, क्या क्या कुछ हो रहा है, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। तो तो हम लोग यानी 5:30 बजे तक, जिस दिन हमारा बारात का इवेंट था, हाँ हम लोग 5:30 बजे तक हॉस्पिटल में थे, हाँ शाम 5:30 बजे तक।
तो फिर जब इनकी रिपोर्ट आई है अल्ट्रासाउंड की, तो उसमें आया इनके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन था और वो बिल्कुल काफी बड़ा हो चुका था, जिसकी वजह से इनको बहुत पेन हो रहा था, इनको वॉमिट्स होना शुरू हो गई थी। मतलब जो वोमिट थी ना वो मुझे पॉइजन वाली हो रही थी, मतलब बिल्कुल एंड अचानक जो मेरे साथ ये सीन हुआ था बिल्कुल ऐसा था मेरा वो जो स्टोन था कि डॉक्टर बोल रहे थे अगर ये नहीं निकाला तो ये कितना फट जाएगा इनका, और मतलब मैं नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकेगा, मैं अच्छा, इनकी बच थोड़ी नहीं सी सकूंगी। वीडियो जो है ना थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि अभी थोड़ी सी हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसके बाद जो है फिर वो आपके जो क्लिप्स हैं बारात वगैरह के, फोटोज़ वगैरह हैं, वो सब एंड तक देखिएगा, ठीक है? थोड़ा आप लोग एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? अच्छा, दूसरा फिर हुआ जब ये कि पता क्या लगा कहते कि हैं, हाँ भाई हाँ, पथरी आ गई साढ़े है, 5 बजे ये गई हैं पार्लर। नहीं और कॉलेज जाते भी कि नहीं, 5 बजे मैं घर पे पहुंची थी अपने, जब अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के 5 साढ़े 5 बजे मैं घर पे पहुंची, घर पे गई कि हाँ भी पता लग गया ये चीज़ है। जब तक मुझे पेन किलर लगा हुआ था तो मुझे थोड़ा आराम था, उसके बाद भी घर पे वगैरह गई वो जो शरारा वगैरह लेके जाते हैं, हाँ भी डिसाइड हो गया अभी थोड़ा बेहतर फील मैं कर रही हूँ, थोड़ा दर्द कम है तो मैं चली जाऊँ पॉलर। अब हम पॉलर के लिए गए, गाड़ी बाजी मैं और गाड़ी पंचर फरहान हो भाई गई, जो है गाड़ी पंचर हो गई, रास्ते में गाड़ी पंचर, फरहान भाई ने मुझे पंचर गाड़ी चला चला के पॉलर यानी पहुंचाया कि नहीं भाई ऐसा शादी है मुझे तैयार होना है, फिर इतनी नहीं, देर, उसमें भी इतनी देर सिचुएशन लगी। सिचुएशन इस तरह की बन रही थी कि कोई चीज़ रोक रही है, यानी कोई चीज़ रोक रही है कि यार आज शादी नहीं होनी है, या कोई इस तरह की ऐसी यानी वहम आते हैं, वसवसे आते हैं, वो चीज़ आ रही थी। तो तो बस खैर अब ये हुआ कि एक आशीष गई, इन्होंने अब इनकी क्या कहते हैं मेकअप वगैरह हुआ, सारी चीज़ हुई। अब यकीन करेंगे, मैं दूल्हा था, मैं 6 बजे घर पहुंचा हूँ अपने, मेरे बहुत सारे थे और देर चीज़ें में और देर में के नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी मेरी कि मैं पार्लर जाऊँगा, ग्रूम शावर वगैरह, यानी सब मैंने कुछ कुछ भी होगा। नहीं होने आप दिया। यकीन नहीं करेंगे, मेरे दोस्त ने स्क्रब लेके और फेस वॉश लेके मेरा सिर्फ मुँह रगड़ा है, और मैं मुँह रगड़ के जो है हॉल गया, यानी मैं अपनी बारात में कुछ भी नहीं करवा सका, सिर्फ मैंने स्क्रब के सब मुंह रगड़वाया अपना और फेस वॉश किया और बारात में पहुंचा हूँ। इस दौरान मैंने कुछ भी इंजॉय नहीं किया, बस मायनों के मैंने अगले दिन इंजॉय किया, हमारे मायनों 1 हफ्ते पहले ही बैठ जाती है ना लड़की कि भाई थोड़ा इंजॉय कर सकें, उबटन लग सके अच्छे से, मतलब हर चीज़ हो सके, तो मैंने कुछ भी इंजॉय नहीं किया। बस हॉस्पिटल के मैं चक्कर लगाती रही इधर उधर उधर, मेरे भाई मुझे गोद में उठा के लेके जा रहे, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, मैं घर में ना छोटी हूँ सबसे, बहनों में सबसे छोटी हूँ और दो भाई मुझसे छोटे हैं, तो वो भी मेरे साथ बड़े बड़े ही बड़े बड़े भाई बन के ही रहते हैं कि नहीं मैं मुझे बिल्कुल ही छोटा ही करके रखते हैं, तो सब मेरे लिए इतना परेशान के रूपों को क्या हो गया क्या हो गया, मेरे बहनों ही मेरी बहनें अम्मी पापा सब ऐसे हुए हुए थे, मतलब सबने मेरे लिए सब कुछ किया कि नहीं हम इसके लिए सब कुछ कर दें, तो बस ये चीज़ चलो थी। अब आपको वो दिखाते हैं, थोड़ा सा तस्वीरें वगैरह दिखाते हैं, और फिर हाँ उसके बाद अपनी बारात के जो क्लिप्स हैं, जो तस्वीरें हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। तो उसके बाद जब बारात का इवेंट ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद क्या हुआ था वो भी हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए देखते हैं आप तस्वीरें हाँ वगैरह। Thank you.
देखा। अच्छा इस सब ये सब कुछ होने के बाद, पूरा इवेंट होने के बाद, क्या कहते हैं जब रुखसती का टाइम आया तो रुखसती अच्छा, मुझे तो यही नहीं पता कि मेरा निकाह कब हुआ कैसे, मैं अपने होश में ही नहीं थी। सब ना मेरे लिए, मेरे आगे मेरे कजन ये सब लोग मेरे आगे ना शॉपर लेके खड़े हुए थे कि मैं कहाँ उल्टी करूँ, वोमिट करूँ, और ना ये लोग मुझे शॉपर शॉपर में फ़ौरन कर दें, क्योंकि मेरी उल्टियाँ ही नहीं रुक रही थी, रुक ही नहीं रही थी, और वो जहर निकल रहा था वो सारा ना मेरे मेरे मुंह से, मुझे इतनी बदबू, इतनी गंदी वाली उल्टी थी ना, मुझे मुझे अब तक उसका एकदम वो आता है ना कि हाँ वही चीज़ थी, बहुत वो जो थी। मुझे निकाह ही पता कि किस तरह से मैंने कबूले 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 कह दिया था, तो इनकी जान में जाना गई थी उसी वक्त। तो रुखसती का जब टाइम आया तो उस वक्त जब का भी टाइम नहीं आया था भाई, नहीं टाइम आया रुखसती का, अरे ना जूता छुपाई हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब इवेंट एंड पे था ना, जब इवेंट एंड पे था तो उस टाइम बिल्कुल ये जो है ना एकदम बेहोश हो गए, हाथों में आ गई। तो ये जब गिर रही थी ना, तो उस वक्त इनको मैं उठा के जो है ना लेके भागा हूँ अब स्टेज से उतर के गाड़ी में जाने के लिए कि हम डायरेक्ट हॉस्पिटल जाएंगे। अच्छा, तो किसी को कुछ नहीं पता, ना फोटोग्राफर, हाँ ना फोटोग्राफर को कुछ पता है क्या हो रहा है, ना किसी रिलेटिव को पता है क्या हो रहा है, वरना उसका बकायदा वो सेगमेंट बनता और मूवी बनाता। अच्छा एंड में सबको ऐसा लगने लगा कि शायद मैंने कोई फिल्मी सीन किया है, इसको उठा के जो मैं लेके भागूँ। एंड तक लोगों को ये लग रहा था कि शायद कोई फिल्मी सीन ये शूट करवाना चाह रहे थे तो इस तरह लेके भागे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि हुआ क्या है। हाँ। बाद में लोगों को पता लगा कि रूबा की तबीयत ये इतनी ख़राब हुई तो जब ही इसको एकदम से इस तरह लेके भागे। और एक कज़न थी इनकी जो मोबाइल लेके खड़ी हुई थी, उसने इस क्लिप को जो है ना बना लिया था कि यार ये किस तरह से लेके भागे, और किसी के पास ना फोटोग्राफर के पास थी वो वीडियो कि मैं कैसे लेके भागा हूँ, क्या है क्या नहीं, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। एकदम से मैं लेके भाग गया कि भाई इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो वो बड़ा एक फिल्मी सीन हो गया था। लेकिन वो रिकॉर्ड जो सीन था ना वो हमारे मोबाइल के अंदर था और वो मोबाइल हमारा हो गया और एक वीडियो रिकवर नहीं हो पाई। हम देखेंगे, सर्च करेंगे कि अगर हम गूगल अकाउंट से उसको रिकवर कर सकें तो इंशाल्लाह ताला आगे आगे किसी मिल नहीं रही है वो वीडियो ना, बहुत छोटा सा क्लिप है, आई थिंक 25 या 30 सेकंड का वो क्लिप है, तो वो मिल जाएगा ना तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन अभी वो जो है ना हम आपको ज़बानी बता रहे हैं कि मैं जो है ना इसको उठा के गोद में लेके भागा हूँ और किसी को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, लेकिन बस क्या कहते हैं एकदम से इनको गाड़ी में रखा है और गाड़ी में हम सब बैठे और डायरेक्ट हॉस्पिटल। यानी मेन मोटिव ये है कि मेरी बारात घर नहीं आई, घर से डायरेक्ट हॉस्पिटल गई है, घर से हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में ड्रिप व्रिप इंजेक्शन वगैरह घुसवाए के नौला वगैरह लगा हुआ, ड्रिप लगी, सब कुछ हुआ, पूरी दुल्हन बनी हुई, पूरी दुल्हन भी मैं दूल्हा शेरवानी पहना हुआ और ये शरारा पहनी हुई, हम लोग हॉस्पिटल में थे। हाँ। हमारी पूरी बारात हॉस्पिटल में थी। हाँ। तो हुआ ये क्या कहते हैं वहाँ पे वन सब कुछ लगा, उसके बाद फिर मैं लेकिन उस वक्त का जो दिन था ना मेरे लिए थोड़ा सा बहुत एक आफत जो आई है ना मेरे कभी कोई पहले तकलीफ, ना कभी कोई दर्द अचानक भी नहीं, कुछ भी जो कहते हैं ना अचानक ही, और ऐसे बिल्कुल एंड स्टेज थी मुझे जो स्टोन आया कि बिल्कुल बस अब तो फौरन फौरन ना इसका होना ही है ट्रीटमेंट, नहीं ट्रीटमेंट होगा मुझे कुछ भी हो जाता। अच्छा बारात तो आप मैं वहाँ पे चली गई, उसके अगले दिन ना अच्छा उल्टा हुआ, वैसे तो लड़की वाले नाश्ता लेके जाते हैं, तो सुबह सुबह सारे मेरे ससुराल वाले घर पर आ गए ना, मेरी अम्मी के घर पर आ गए, ये सब वहाँ पर आ गए थे, तो उसके बाद फिर लोग मुझे लेके आए, उसके बाद मेरा जो लोगों ने मेरा हॉस्पिटल वगैरह में चेकअप वगैरह करवाया, तो फिर ये हुआ कि अगले दिन मेरा सुबह ऑपरेशन होना था, मतलब बाकी अच्छा ये जो वेंसडे को हुई थी और मेरा ऑपरेशन जो है वो फ्राइडे को, मतलब के बाद से और वलीमा के दरमियान तक के जितना भी कुछ हुआ है ना वो हम नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन बारात तक का जो इवेंट था ना वो ये था कि क्या कहते हैं मेरी जो बारात घर से निकली थी, जिस तरीके से निकली थी, जिस धूम धड़ाके से निकली थी ना, सब इंतज़ार में थे इलाके वाले कि मेहरान की बारात आएगी तो देखेंगे, सब जाग रहे थे इसी चक्कर में मोहल्ले वाले कि मेहरान की बारात आएगी तो देखेंगे, और उनको किसी को नहीं पता मेहरान की बारात डायरेक्ट हॉस्पिटल चली गई। तो बाकी थोड़ी फिल्मी हमारी शादी थी, फिल्मी बिल्कुल स्टोरी थी, और गोद में लेके रुक सकती, कुछ पता नहीं, दुल्हन की तबीयत ख़राब, ये सब कुछ हंगामा वगैरह, उसके बाद ऑपरेशन हुआ, हमारा वलीमा होना था 11 तारीख, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। होप कि आपने एंजॉय किया होगा हमारा बारात का इवेंट, और बारात से लेके अब वलीमा तक की जो ट्रेजिडीज़ हैं और किस तरह हमारा वलीमा आगे शिफ्ट हुआ
वो सारी चीज़ें जो बरावरियों वाले रिसेप्शन वाले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी कमेंट्स में अपने रिव्यूज लाजमी दीजिएगा कि आपको किस तरह कैसा लगा हमारा ब्लॉग। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं घूमने, क्योंकि आज है संडे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो टच में रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।